साथियों नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और कविता बोल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले दिनों देखा कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति गिर गई और उसके पहले हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि इस तरीके से खासकर बिहार में बहुत सारे पुल गिरे, पूरे देश में सड़कों का क्या हाल है, समय से पहले ही खराब हो रही हैं। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि राम मंदिर से लेकर संसद भवन के निर्माण तक में हमको खामियां देखने को मिले। ये सारी खामियां और ये सारी परेशानियां हर ओर से भ्रष्टाचार और सही तरीके से चीजों को असेस न कर पाने की परेशानी या फिर असेसमेंट हो जाने के बावजूद चीजों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट न कर पाने की परेशानी की ओर इशारा करती है। कविता में ऐसे चीजों को लेकर पॉलिटिकल सटायर बहुत होते रहते हैं। बहुत सारे कवि हैं जो पॉलिटिकल सटायर लिखते हैं, लेकिन अगर हम मॉडर्न डे की बात करें, हालिया दिनों की बात करें, तो अदम गोंडवी जैसा पॉलिटिकल सटायर लिखने वाला कवि शायद ही कोई और होगा। जन कवि होने के साथ साथ इतना अच्छा पॉलिटिकल सटायरिस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत हिम्मत की बात होती है। अदम गोंडवी जी हिंदी में गजलें लिखते हैं और कहते हैं कि दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले हिंदी में गजलें लिखनी शुरू की और अदम गोंडवी उसी विरासत को आगे लेकर जाते हैं। अदम गोंडवी की आज जो रचना हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है शायर की जुबानी है। उन्होंने ये गजल अपने घर या अपने शहर गोंडा के लिए लिखी है, लेकिन कविता जैसा कि आप जानते हैं उनका स्कोप बहुत ही बड़ा होता है, इनफैक्ट यूनिवर्सल स्कोप होता है। तो इस लिहाज से देखें तो आप बस अब हालिया दिनों में होने वाली घटनाओं को और इस गजल को साथ रखकर देखें तो आपको पता चलेगा कि कवि कहना क्या चाहते हैं। आइए सुनते हैं अदम गोंडवी जी की गजल शायर की जुबानी है। महज सड़कों पे गड्ढे हैं, न बिजली है न पानी है। हमारे शहर गोंडा की फिजा कितनी सुहानी है। महज सड़कों पे गड्ढे हैं, न बिजली है न पानी है। हमारे शहर गोंडा की फिजा कितनी सुहानी है। कभी आकर जिले में आप सामंती ठसक देखें। कहा जाता है यूपी में न राजा है न रानी है। महज सड़कों पे गड्ढे हैं, न बिजली है न पानी है। हमारे शहर गोंडा की फिजा कितनी सुहानी है। कभी आकर जिले में आप सामंती ठसक देखें। कहा जाता है यूपी में न राजा है न रानी है। अपना घर नहीं है राम का घर हम बनाते हैं। अपना घर नहीं है राम का घर हम बनाते हैं। इसे जादूगरी कहिए या कहिए लंतरानी है। किलो के भाव नैतिकता को हम नीलाम करते हैं। किलो के भाव नैतिकता को हम नीलाम करते हैं। दावा ये कि अपनी अस्मिता हमको बचानी है। जिससे बुद्ध के किरदार की महकार आती है, जिससे बुद्ध के किरदार की महकार आती है, उसी जनपद की पीड़ा एक शायर की जबानी है। जिससे बुद्ध के किरदार की महकार आती है, उस जनपद की पीड़ा एक शायर की जबानी है। महज सड़कों पे गड्ढे हैं, न बिजली है न पानी है। हमारे शहर गोंडा की फिजा कितनी सुहानी है। महज सड़कों पे गड्ढे हैं, न बिजली है न पानी है। हमारे शहर गोंडा की फिजा कितनी सुहानी है। शुक्रिया दोस्तों। ये रचना मैं अदम गोंडवी साहब की गजलों की किताब समय से मुठभेड़ से पढ़ रहा था। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप खुद भी कविताएं लिखते हैं और कविता बोल पर चाहते हैं आपकी कविताएं पढ़ी जाएं या आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के इनबॉक्स पर बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा।